मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिहाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है एंटीमोनियम क्रोडम। फॉर होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट द मेंटल सिम्टम्स एंड दोस ऑफ द गैस्ट्रिक स्फीयर डिटरमिन इट्स चॉइस। तो इस दवा को होम्योपैथिकली यूज करने के लिए इसकी जहनी अलामत और इसकी मेदे की अलामत जो हैं वो फैसला करती हैं कि इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करना है। एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पाया जाता है दवा में। एंड फ्रेटफुलनेस, और मरीज झगड़ालू होता है, नाराज रहने वाला होता है। टुगेदर विद ए थिक कोटेड वाइट टंग, और जबान पर मोटी सफेद रंग की तय होती है, आर ट्रू गाइडिंग सिम्टम्स टू मैनी फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस कॉलिंग फॉर दिस रेमेडी। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है, यानी अगर मरीज चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है, जुबान पर मोटी तय है, तो फिर बीमारी कुछ भी हो तो उसमें एंटीमोनियम क्रोड जो है वो इस्तेमाल कराई जाएगी। ऑल द कंडीशंस आर एग्रीवेटेड बाय हीट एंड कोल्ड बेदिंग। तमाम की तमाम अलामात गर्मी से और ठंडे पानी के नहाने से बढ़ जाती हैं। कैन नॉट बियर हीट ऑफ द सन, मरीज गर्मी धूप जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। टेंडेंसी टू ग्रो फैट, मोटापे की तरफ मायल होता है। एंड एब्सेंस ऑफ पेन वेयर इट कुड बी एक्सपेक्टेड। तो ये बड़ी खास अलामत है कि जहां दर्द होना चाहिए वहां पर दर्द नहीं होता, ये नोट करने वाली बात है। गाउट विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स, और आमतौर पर गंठियावी अलामत जो हैं, अगर उसके साथ मेदे की अलामत भी पाई जाए तो फिर एंटीमोनियम क्रोड के बारे में फौरन सोचना चाहिए। दिमागी अलामत में मच कंसर्न अबाउट हिज फेट, मरीज अपनी किस्मत के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होता है। क्रॉस एंड कंट्राडिक्टिव, चिड़चिड़ा भी होता है और मुखालफत पसंद होता है, यानी हर बात में मुखालफत करेगा। वट एवर इज डन, कुछ भी किया जाए उसने मुखालफत करनी है। फेल्स टू गिव सेटिस्फेक्शन, और इस मरीज की तसल्ली कराना जो है वो मुश्किल होता है, यानी सल्की होता है, बदमिजाज, रूखा तुंद मिजाज होता है। डज नॉट विश टू स्पीक, बातचीत करना नहीं चाहता। पीविश होता है, यानी तुंद मिजाज होता है, और मुश्तल हो जाता है। वेक्स्ड विदाउट काज, बगैर किसी वजह के। चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, तो बच्चा जो है वो देखा जाना और छुआ जाना पसंद नहीं करता। एंग्री एट एवरी लिटल अटेंशन, जरा भी बच्चे की तरफ तवज्जो करें तो फौरन रोना शुरू कर देगा। सेंटिमेंटल मूड, और मरीज का मूड जो है वो जज्बाती किस्म का होता है। सर की अलामत में एकिंग, सर में दर्द होता है। वर्स इन दी वर्टेक्स, और सर के टॉप के ऊपर वर्टेक्स पर ये दर्द है। ऑन असेंडिंग, खास तौर पर सीढ़ियाँ चढ़ने से या ऊंचाई की तरफ जाने से। फ्राम बेदिंग, नहाने से। फ्राम डिसऑर्डर स्टमक, या मेदे की खराबी की वजह से। एस्पेशली फ्राम ईटिंग कैंडी, खास तौर पर मिठाइयाँ वगैरह, टॉफियाँ टिक्कियाँ खाने से। आर ड्रिंकिंग एसिड वाइन्स, या फिर खटी शराब पीने से। सप्रेस्ड इरप्शंस, जो जल्दी तकलीफें हैं उनके दब जाने से, खारिश के दब जाने से तकलीफें होती हैं। हैवीनेस इन द फोरहेड, माथे में बोझलपन का एहसास होता है। विद वर्टिगो, जिसके साथ चक्कर आते हैं, मतली होती है, नौजिया एंड नोज ब्लीड, और नक्सीर होती है। हेडेक विद ग्रेट लॉस ऑफ हेयर, सर दर्द के साथ बाल भी गिरने लगते हैं। आंखों की अलामात में डल, संकन आईज, आंखें जो हैं वो डल होती हैं और अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं, यानी आंखें बेरौनक होती हैं। रेड सुर्ख होती हैं, इच आंखों में खुजली होती है, इन्फ्लेम्ड सोजिश होती है, एग्लूटिनेशन, और जो पपोटे हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं, यानी गीज होती है। कैंथाई रेड एंड फिशर्स, आँखों के जो किनारे हैं वो उनमें शगाफ होते हैं, या फिर वो राह होते हैं, यानी छिले हुए से होते हैं। क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, पपोटों की सोजिश में, पलकों की सोजिश में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पे जब वो क्रॉनिक हो, पुरानी हो। पस्टूल्स ऑन दी कॉर्निया एंड लिड्स, तो आँख के कॉर्निया के ऊपर
और पपोटों के ऊपर जो है वो पस्टूल्स यानी आबले बन जाते हैं। कानों की अलामत में रेडनेस, कान सुर्ख होते हैं, स्वेलिंग सूजे हुए होते हैं, पेन इन यूस्टिशियन ट्यूब और नाक और हलक के दरमियान जो ट्यूब है उसमें दर्द होता है, रिंगिंग एंड डेफनेस, तो समात जो है वो भी मुतासर होती है और बहरापन यानी होता है एंड रिंगिंग और घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। माइस्ट इरेक्शन अराउंड द ईयर और कान के गिर्द एक नमदार किस्म के जल्दी उबारें होती हैं या स्किन डिजीज होती है, एक्जिमा वगैरह हो सकता है। नाक की अलामत में नास्ट्रिल्स चैप्ड, नथने जो हैं उनमें शगाफ होते हैं, फटे हुए होते हैं एंड कवर्ड विद क्रस्ट और उन पर छिलके जम जाते हैं। एक्जिमा ऑफ द नास्ट्रिल्स, नथनों का एक्जिमा होता है, सोर दुखते हैं, क्रैक्ड एंड स्कर्फी, तो उनमें क्रैक्स होते हैं यानी शगाफ पड़ जाते हैं एंड स्कर्फी और उस पर पकड़ी सी जमी होती है, खरंड सा आ जाता है। चेहरे के अलामात में पिंपल्स, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, आपले निकल आते हैं, पस्टूल्स होते हैं, पास वाले दाने, बॉयल्स छोटे फोड़े होते हैं, येलो क्रस्टेड इरप्शंस और पीले छिलके वाले दाने जो हैं वो निकलते हैं। ऑन चीक्स एंड चिन्स, गालों पर भी और थोड़ी पर भी। सैलो एंड हैगर्ड, मरीज का चेहरा बीमार जर्द नजर आता है और एक बदहाली और खस्तगी की लटका हुआ चेहरा जैसे होता है। मुंह के अलामात में क्रैक्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, मुंह के किनारों में क्रैक्स पड़ जाते हैं, शगाफ होते हैं, कटे फटे होते हैं। ड्राई लिप्स, होंठ खुश्क होते हैं, साल्टिश सलाइवा, थूक का जायका नमकीन महसूस होता है। मच स्लाइमी म्यूकस, लेसदार म्यूकस होता है मुंह के अंदर, थूक होता है। टंग कोटेड थिक वाइट एज इफ वाइट वॉश्ड और जुबान पर मोटी सफेद रंग की तय होती है जैसे चूना फेरा गया हो। गम्स डिटैच फ्रॉम द टीथ, मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं। ब्लीड इजिली और उनमें से खून भी निकलने लगता है आसानी से। टूथेक इन हॉलो टीथ और खोखले दांतों में दर्द होता है। रॉनेस ऑफ पैलेट और जो तालू है उसमें कच्चे जख्म बन जाते हैं विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ मच म्यूकस और काफी मकदार में बलगम खारिज होती है। कैंकर सोर, मुंह के अंदर अल्सर बन जाते हैं। पैपी टेस्ट, ये जो पैपी विस्की है उस तरह का टेस्ट जो है, मसालेदार किस्म का टेस्ट होता है। नो थर्स, प्यास नहीं होती। सब एक्यूट एक्जिमा अबाउट द माउथ और मुंह के गिर्द जो है वो दरमियानी मुद्दत का एक्जिमा मौजूद होता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, दरमियानी मुद्दत का भी हो सकता है। गले की अलामत में मच थिक येलोइश म्यूकस, पीले रंग का गाढ़ा म्यूकस खारिज होता है फ्रॉम पोस्टीरियर नेरीज, खासतौर पर जो हलक में गिरता है, नाक के पिछले नथनों से हलक में गिरता है, केरा जिसको कहते हैं। हॉकिंग इन द ओपन एयर, खुली हवा में मरीज खनकारता रहता है। लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स की सोजिश होती है। रफ वॉयस फ्रॉम ओवर यूज और आवाज के ज्यादा इस्तेमाल से आवाज जो है वो भारी हो जाती है। स्टमक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है। डिजायर फॉर एसिड्स, खट्टी चीजों की ख्वाहिश होती है। पिकल्स, अचार की ख्वाहिश होती है। थर्स्ट इन इवनिंग एंड नाइट, शाम को और रात के वक्त प्यास होती है। इरेक्टेशन, टेस्टिक ऑफ इनजस्टा और खाए पिए चीजों का अधिकार आते हैं, खाए पिए चीजों का जायका होता है अधिकारों के अंदर। हार्ट बर्न, सीना जलता है। नौजिया मतली होती है। वोमिटिंग क्या होती है। आफ्टर नर्सिंग द चाइल्ड वोमिट्स इट्स मिल्क इन कर्ड्स, तो दूध पीने के बाद बच्चा फुटकियों की शक्ल में दूध निकाल देता है। एंड रिफ्यूजेस टू नर्स आफ्टरवर्ड्स और फिर दोबारा दूध पीने से इनकार कर देता है। एंड इज वेरी क्रॉस और चिड़चिड़ा होता है। एथूजा में भी बच्चा जो है वो फुटकियों वाली कह करता है लेकिन वो कह करने के बाद फिर दूध पीता है। एंटीमोनियल कार्ड क्रूड जो है उसका बच्चा फिर दूध दोबारा नहीं पीता। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स, मेदे और आंतों की अलामत इसमें पाई जाती हैं। फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड और पेस्ट्री वगैरह के खाने से, एसिड्स खट्टी चीज़ों से, सावर वाइन खट्टी शराब से, कोल्ड बेदिंग ठंडे पानी के नहाने से, ओवर हीट हो जाने की वजह से, हॉट वेदर और गर्म मौसम में यानी धूप में मरीज बर्दाश्त नहीं करता। कांस्टेंट बल्चिंग, मुसलसल डिकार आते हैं। गाउटी मेटास्टेसिस टू द स्टमक एंड बाबल्स,
तो जो गठिया है वो मैदे और आंतों में उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, यानी मर्ज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। यानी गाउट बेहतर होगा तो मैदा खराब हो जाएगा, मैदा ठीक होगा गाउट हो जाएगा। स्वीटिश वाटर ब्राश, तो मुंह में जो पानी भर आता है आबी कैश जिसको कहते हैं, उसमें मिठास होती है। ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग और खाने के बाद अफारा हो जाता है। पखाने की अलामत में एनल इचिंग, मकत पर खारिश होती है, और सल्फर कैल्केरिया और एलोमिना के साथ कंपेयर करेंगे। डायरिया अल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और इसहाल अदलते बदलते हैं, यानी कभी कब्ज होती है कभी इसहाल होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, खासतौर पर बूढ़े लोगों में। डायरिया आफ्टर एसिड्स, खट्टी चीजों के बाद डायरिया होता है, सावर वाइन, खट्टी शराब के बाद ठंडे नहाने से, ओवर ईटिंग ज्यादा खा लेने से, और स्लाइमी यानी डायरिया जो है उसमें लेसदार लेस खारिज होगा, फ्लैचुलेंट स्टूल और हवा के साथ पखाना खारिज होगा। म्यूकस पाइल्स और बवासीर जो है वो भी म्यूकस वाली होती है, यानी उसमें से म्यूकस जो है वो ऊज करता रहता है, मकत जो है वो गीला रहता है। कंटिन्यूड ऊजिंग ऑफ द म्यूकस, मकत से लेसदार मादा जो है म्यूकस जो है वो खारिज होता रहता है। हार्ड लम्स मिक्स्ड विद वाटरी डिस्चार्ज, और पखाना जो है उसमें पखाने के जो सॉलिड टुकड़े हैं वो यानी पानी या पतले पखाने के साथ मिक्स होते हैं। कुछ पखाना पतला होता है और कुछ उसमें ठोस ढेले होते हैं। कटारल प्रोक्टाइटिस और रेक्टम की जो सोजिश है उसकी नजलावी कैफियत जो है उसमें इस्तेमाल होगी स्टूल कंपोज एंटायरली ऑफ म्यूकस, और बाज औकात तो म्यूकस में पखाने में सिर्फ म्यूकस खारिज होता है, जिसे औ कहते हैं। पेशाब की अलामत में फ्रीक्वेंट बार बार आता है, विद बर्निंग, जलन होती है, एंड बैक एक और कमर दर्द होता है, टर्बेंड एंड साउल आर्डर, पेशाब गदला होता है और पेशाब में बू होती है। मर्दाना अलामत में इरेप्शन ऑन स्क्रोटम, जो खसियों की थैली है स्क्रोटम उसके ऊपर दाने निकल आते हैं, और अजाय तनासली के गिर्द भी दाने निकल आते हैं। इम्पोटेंसी, नामर्दी होती है, जिंसी कमजोरी होती है। एट्रॉफी ऑफ द पीनस एंड टेस्टिकल्स, और पीनस भी छोटा हो जाता है और टेस्टिकल्स भी छोटे हो जाते हैं। जनाना अलामात में एक्साइटेड मरीजा में तेजी आ जाती है, यानी उसकी जिंसी ख्वाहिश बढ़ी हुई होती है, पार्ट्स इच, जिंसी आदा जो है उनको खारिश होती है। बिफोर मेंसेस टू थैक, और मेंसेस से पहले दांत दर्द होता है। मेंसेस टू अर्ली एंड प्रोफ्यूज, जल्दी हो जाते हैं मेंसेस और मिकदार में बहुत ज्यादा होते हैं। मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड बाथिंग, और ठंडे पानी के नहाने से माहवारी दब जाती है, विद फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द पेल्विस, और पेड़ों में एक दबाव महसूस होता है, एंड टेंडरनेस और दुखन होती है इन द ओवेरियन रीजन, ओवरी के मकाम पर यानी निचले पेट के दाएं बाएं दोनों जानब ये टेंडरनेस होगी। लिकोरिया वाटरी, पानी की तरह का लिकोरिया होता है जो कि एक्रिड है, तेजाबी है और लम्प्स की शक्ल में खारिज होता है। रेस्पिरेटरी अलामात में कफ, वर्स कमिंग इन टू दी वार्म रूम, गर्म कमरे में दाखिल होने से खांसी शुरू हो जाती है, विद बर्निंग सेंसेशन इन दी चेस्ट, और छाती में जलन होती है, इचिंग ऑफ दी चेस्ट, छाती पर खारिश होती है, ओप्रेशन और घुटन का एहसास होता है। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड, ज्यादा गर्मी लगने से आवाज बैठ जाती है। वॉइस हार्श एंड बैडली पिच्ड, आवाज जो है वो क्रख्त भी हो जाती है और भारी भी हो जाती है। कमर की अलामात में इचिंग एंड पेन ऑफ द नेक एंड बैक, गर्दन पर और कमर पर खारिश होती है। बाजू और टांगों की अलामात में ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, पट्ठे जो हैं उनमें फड़कन होती है, ट्विचिंग होती है, जर्क्स इन दी आर्म्स और बाजू में झटके लगते हैं, आर्थराइटिक पेन्स इन दी फिंगर्स और उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है, नेल्स ब्रिटल, नाखून जो हैं वो भुरभुरे हो जाते हैं, ग्रो आउट ऑफ शेप और उनकी शेप भी खराब हो जाती है। हार्डी वार्ट्स ऑन दी हैंड्स एंड सोल्स, हथेलियों पर और पाँव के नीचे सख्त किस्म के मसे बन जाते हैं। वीकनेस एंड शेकिंग ऑफ दी हैंड्स इन राइटिंग, फॉलोड बाई ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस, और कमजोरी होती है और हाथ कांपते हैं लिखते हुए, और उसके बाद ऑफेंसिव फ्लैचुलेंस यानी
बदबूदार अफारे के बाद ये कैफियत पैदा हो जाती है। फीट वेरी टेंडर, पाँव जो है बहुत उगते हैं, कवर्ड विद लार्ज हॉर्नी प्लेसेस और उनमें भी इसी तरह सख्त चंडियां बन जाती हैं। इन्फ्लेम्ड कॉर्न्स गटे बन जाते हैं, पेन्स इन द हील्स और एड़ियों में भी दर्द होता है। जल्द की अलामत में एक्जिमा विद गैस्ट्रिक डीरेंजमेंट्स, मैदे की खराबी की वजह से एक्जिमा होता है, पिंपल्स वेसिकल्स एंड पस्टुल्स, कील वहां से होते हैं, छाले होते हैं और पीपदार दाने बन जाते हैं। सेंसिटिव टू कोल्ड बेथिंग और मरीज जो है ठंडे पानी के नहाने से सेंसिटिव होता है। थिक हार्ड हॉर्नी कलर्ड स्कैब्स और मोटे छिलके बन जाते हैं जो कि शहद के रंगत के होते हैं, खंड बन जाते हैं, अर्टिकेरिया छपाकी होती है, मीजल लाइक इरप्शंस और खसरे की तरह के दाने निकलते हैं। इचिंग व्हेन वार्म इन बेड और बिस्तर की गर्मी से खारिश ज्यादा हो जाएगी। ड्राई स्किन, जल्द खुश्क होती है, वार्ट्स मसे होते हैं, थूजा स्पाइन और कास्टिकम्स का कंपेयर करेंगे। ड्राई गैंग्रीन होती है, यानी जो गोश्त गलने सड़ने लगता है वो ड्राई होता है। स्केली पस्टुलर इरप्शंस और ऐसे पीप वाले दाने निकलते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है। विद बर्निंग एंड इचिंग, उनमें जलन भी होती है और खारिश भी होती है। वर्स एट नाइट, रात को ये तकलीफ बढ़ जाती है। नींद की अलामत में कंटिन्यूड ड्राउजीनेस इन ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में मुसलसल गनूदगी की कैफियत तारी रहती है। बुखार की अलामत में चिली इवन इन वार्म रूम, मरीज गर्म कमरे में भी उसको सर्दी लगती है। इंटरमिटेंट विद डिस्कस्ट, नाजिया, वोमिटिंग, इरेक्टेशन, और ये बुखार इंटरमिटेंट होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता है, इंटरमिटेंट फीवर जैसे मलेरिया का बुखार होता है। विद डिस्कस्ट और कराहत के साथ मतली होती है, कह होती है और इरेक्टेशंस डिकार आते हैं, कोटेड टंग जुबान के ऊपर तय होती है, डायरिया और इसहाल लग जाते हैं, हॉट स्वेट और गर्म पसीना आता है। इसकी कमी बेशी में वर्स इन द इवनिंग, शाम को तकलीफ बढ़ जाती है, फ्रॉम हीट गर्मी से बढ़ती है, एसिड्स खट्टी चीज़ों से बढ़ती है, खट्टी वाइन से बढ़ती है, वाटर एंड वॉशिंग पानी के धोने से, यानी कपड़े वगैरह धोने के काम करने से या पानी के काम करने से, वेट पोल्टिसेस जो मरहम या फाया जो लगाते हैं उसकी वजह से यानी दब जाती है स्किन डिजीज और उससे बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। बेटर इन ओपन एयर, खुली हवा में मरीज बेहतर महसूस करता है, ड्यूरिंग रेस्ट और आराम के दौरान भी मरीज बेहतर महसूस करता है। मॉइस्ट वार्म्थ और मरतूब गर्म मौसम में मरीज बेहतर महसूस करता है, यानी खुश्क गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती मरीज से। रिलेशनशिप में इसको एंटीमोनियम क्लोराइडम के साथ कंपेयर करेंगे, बटर ऑफ एंटीमोनी कहलाता है, रेमेडी फॉर कैंसर, ये कैंसर की दवा है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रॉयड, इसमें म्यूकस झिल्लियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, एब्रेशंस उनमें रगड़ें और खराशें पड़ जाती हैं, स्किन कोल्ड एंड क्लैमी, जल्द ठंडी और चिपचिपी होती है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ और बहुत ही ज्यादा नकाहत होती है, और डोज इसकी थर्ड ट्रेचुरेशन है। एंटीमोनियम आयोडेटम है, जिसमें यूट्राइन हाइपरप्लेजिया होता है, यानी यूट्रस का जो टिश्यू है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिड एस्थमा, तरदमा होता है, नमूनिया एंड ब्रोंकाइटिस, नमूनिया और हवा की नालियों की सोजिश की दवा है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी हो जाती है, कुव्वत यानी कमजोर हो जाती है, एंड एपिटाइट और भूख भी नहीं लगती। येलो स्किन, जल्द पीली होती है, स्वेटी और पसीना आया होता है, डल एंड ड्राउजी, मरीज सुस्त होता है और गनूदगी पाई जाती है। इन सब एक्यूट एंड क्रॉनिक कोल्ड्स इन चेस्ट, तो जो सब एक्यूट है और पुरानी यानी दरमियानी मुद्दत की और पुराने जितने भी छाती की सर्दी की अलामत हैं उसमें इसको रिकमेंड किया जाता है। विच हैव एक्सटेंडेड डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड, ये सर्दी सर से नीचे ट्रेवल कर जाती है, एंड हैव फास्टन्ड देमसेल्फ अपॉन द ब्रोंकियल ट्यूब्स, और ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो है ये सर्दी बैठ जाती है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड क्रूपी कफ, जिसकी नतीजे में सब किस्म की खांसी जो है वो आती है, विद डिसाइडेड वीज और सांस में खरखराहट होती है, an inability to raise the sputum और बलगम निकालने की सलाहियत नहीं रहती है, especially in the aged, खास तौर पर बूढ़े लोगों में, and weak patients और कमजोर मरीजों में।
स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नमोनिया स्लोज एंड डिलेड। तो नमोनिया में का जो सेहतयाबी की तरफ सफर है वो बहुत स्लो होता है और डिलेड होता है, यानी देर से मरीज सेहतयाब होता है। कंपेयर करें इसको कर्मिस मिनरल स्टिबियट सल्फ रूब्रस के साथ ब्रोंकाइटिस में। ये रेड से स्ट्रिपनाइट है, असल में ये एंटीमोनियम ट्राइसल्फाइड का एक मरकब है। और इसके अलावा इसको कंपेयर करेंगे पस्टिला के साथ, इपिका के साथ और सल्फर के साथ। कंप्लीमेंट्री इसकी सल्फर है, एंटीडोट इसकी हिपरसल्फ है, और थर्ड टू सिक्स पोटेंसी रिकमेंड की गई है, लेकिन दरमियानी और बड़ी पोटेंशियों में भी काम करती है। अगली दवा के साथ फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज़।